गुड इवनिंग। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की फिर से। देखिए क्या है, ज्योग्राफी का दो तीन लेक्चर जो है कर लेते हैं, फिर देन विल टेक ए कॉल कि हम लोग ज्योग्राफी किस तरह आगे देखते हैं। हम बेसिकली इस समय आप जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, जो पूरे हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को, हमारे सिस्टम को जो इम्पैक्ट करता है, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आज हम समझते हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। अगर हम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और प्रेसिपिटेशन से सबसे पहली चीज़ जो समझें कि कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड का डिपोजिशन होता है, मतलब कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड इकट्ठा होता है और जो एसिड रेन के रूप में हमारे जमीन पर आता है, अर्थ पे आता है, एंड वी ऑलवेज बॉदर्ड विद एसिड रेन। और ये हमेशा ये कहा जाता है जो एसिड रेन है ये पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज फिनोमेना है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो हमने वातावरण के साथ ये अन्याय किया हुआ है उससे वह एसिड रेन हुआ है। अब जो एसिड रेन है यह दो तरह से नुकसान डायरेक्ट करता है, एक ये हमारी जो फिशेज हैं इनको मार देता है, किल कर देता है, दूसरा हमारे ट्री और प्लांट्स को पॉइजन कर देता है। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एसिड रेन इन आवर सोसाइटी। द टू मेजर इम्पैक्ट is by acid rain. One, it kills the fishes, and second, it poison the trees and plants. अब यह बनता कैसे है जो यह acid rain हमारा नुकसान इतना बड़ा कर रहा है, इस acid rain का formation किस तरह से होता है? इसका formation होता है air drop से। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वह रेन ड्रॉप जब एयर के पोल्यूशन से, जस्ट लिसन केयरफुली दिस लाइन, एसिड रेन विल बी वेरी क्लियर टू यू, कि जब हमारा जो रेन ड्रॉप है वह रेन ड्रॉप एयर पोल्यूशन से कांटेक्ट में आता है, और यह एयर पोल्यूशन कैसे होता है, फॉसिल फ्यूल से होता है, और यह फॉसिल फ्यूल बर्न होकर क्या निकालता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है NO2, और SO2 और NO2 दोनों कंबाइन होके ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर और सनलाइट के साथ, जो सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, SO2, NO2 यह सब मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एरोसोल्स बनाते हैं, और जो कि कंडेंस होके हमारे धरती पे आकर गिरता है, और जो उनकी एक टाइनी पतली छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वह क्रिएट हो जाती हैं एसिडिक रूप में, और वे जब नीचे प्रेसिपिटेट करती हैं तो वह जो एयर ड्रॉप है वह एसिडिक फॉर्म हमारे पास आता है। तो सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड can also form by this dual particle process and created dry acid particles. Hope it is clear. I combined the chemistry and geography together to explain how the rain acid is being formed. Rain acid एक परंपरा है हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछने की। मैंने यह बात कई बार रिपीट की है, दोहराई है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में वह चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं जो चीज़ें हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो एसिड रेन, आई होप यू अंडरस्टूड, इफ नॉट अंडरस्टूड आई कैन रिपीट इट अगेन। जो यह एसिड रेन होता है यह इसी को हम एसिड ड्रेन कहते हैं। तो बहुत सिंपल ढंग से एसिड रेन क्या समझना है कि पहला एसिड रेन से नुकसान क्या है, दूसरा एसिड रेन बनता कैसे है, दूसरा जो फॉसिल फ्यूल हैं वह कौन कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं, वह गैसेस किस तरह से ऑक्सीजन से और
ऑक्सीजन से और वाटर, ऑक्सीजन वाटर सनलाइट्स मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और वह जमीन पे गिरते हैं। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड ग्रेन। अब जो एसिड ग्रेन है वह जो सॉरी एसिड रेन है वह 1990 के बाद से ज़्यादा सिग्निफिकेंट रूप से दिखने लग गया है। और यह जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है, यह जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल इमिशन वातावरण में बढ़ता गया, हमारा एसिड रेन, तो एसिड रेन हमको ज़्यादा नुकसान करता गया। अब हम इसको क्लाइमेट चेंज से थोड़ा सा ऐड करते हैं, आपके मीन्स के सवाल का एक पॉइंट आपको देते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है और क्लाइमेट चेंज से नुकसान क्या है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रो और NO2 दोनों फॉसिल फ्यूल से निकलते हैं। तो जो एक सरकार की और विश्व की यह कोशिश है, देर इज कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ओवर कि वी शुड रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल। इफ यू रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल इज मेनली द कोल, तो उससे फर्क क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड SO2 और NO2 वातावरण में कम जाएगा। अगर SO2 और NO2 वातावरण में कम जाएगा तो वातावरण में ऑक्सीजन और वाटर के साथ, ऑक्सीजन वाटर और सनलाइट के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड नहीं बनेगा। जब सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड नहीं बनेगा तो एसिड रेन नहीं आएगा। जब एसिड रेन नहीं आएगा हमारा क्लाइमेट बेहतर होगा। यही वह कारण है, यही मैंने सवाल आज IIT में जो IIT के बच्चे आए थे अपने को असिस्टेंट इंजीनियर की ट्रेनिंग के लिए, मैंने यही उनसे सवाल किया और आई वॉज क्वाइट सरप्राइज शॉक कि IIT के बच्चों को भी इतना डिटेल में नहीं पता था कि एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है और क्लाइमेट चेंज का एसिड रेन से क्या रिलेशन है। अब हम इस क्लाइमेट चेंज को अगर समझने की कोशिश करें कि भारत इस क्लाइमेट चेंज पे अपोज क्यों कर रहा, भारत बोल रहा है मैं एसिड ड्रेन के लिए पूरी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वेस्ट ने फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके अपनी कंट्री को बहुत विकास यात्रा दी है, भारत को वह विकास यात्रा नहीं मिली है। तो भारत विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है और वो कह रहा है इसकी जिम्मेदारी वेस्ट उठावे, हमको कुछ साल तक इनको इस्तेमाल करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में वाटर किस तरह से होता है। हम सिर्फ एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, वाटर के बारे में समझते हैं, उससे हमारा एक बहुत बड़ा काम सॉल्व हो जाएगा। जो हमारा पूरा ये प्लेनेट है, जो हमारा पूरा सरफेस है, ये 70% पार्ट अर्थ का वाटर से डोमिनेटेड है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे होप एसिड रेन क्लाइमेट चेंज इज क्लियर। तो एसिड रेन, वर्षा, आकांक्षा और जूनियर कौन है? आदिति, क्लियर? फर्स्ट टेल द जूनियर एस्पायरेंट्स, आदिति, मोहित, दीपांशु, आकांक्षा, क्लियर नॉट क्लियर? तो यह है। और वाटर जो है तीनों फॉर्म में प्राप्त होता है, लिक्विड, वाटर और गैस। ये हमेशा हम लोग अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में गलती करते हैं कि वाटर गैस फॉर्म में हमको नहीं मिलता है, वाटर हर फॉर्म मिलता है। तो अर्थ इज कवर्ड बाय द लिक्विड वाटर। इस लिक्विड वाटर में क्या क्या है? ओशियंस हैं और लेक्स हैं। तो जो लिक्विड वाटर है अर्थ में वह मेनली बनता है ओशियंस में, ओशियंस से या लेक से, समुद्र, महासमुद्र और नदियों से। जो सॉलिड वाटर है वह ग्लेशियर में है, और जो आइस कैप और सी आइस हैं, तो आइस वाटर तीन तरह से मिलता है, ग्लेशियर, आइस कैप्स और सी आइस। देखिए सारे मेरी हर एक लाइन में प्रिलिम्स के सवाल भरे पड़े हैं, जस्ट यू सी केयरफुली। तो जो सॉलिड वाटर है वह मिलता है ग्लेशियर से, आइस कैप से और सी आइस से। और जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन इज द फॉल ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर।
व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन. द डिफिनीशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज द फॉल ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फियर दैट रीचेस द अर्थ लैंड और ओशियन सरफेस. जो आप ध्यान दें, हमेशा जब ऊपर से बरसात होती है, कई बार ओले भी गिरते हैं, आइस भी गिरती है, वह सॉलिड फॉर्म में है. तो प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में भी होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है. तो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन इज द फॉल ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर फ्रॉम द स्काई फ्रॉम द एटमॉस्फियर दैट रीचेस टू द अर्थ और ओशियन सरफेस. और यह जो फॉर्म होता है जो एटमॉस्फियर से गिर के फॉर्म होता है, वह क्या होता है, मॉइस्ट एयर से कूल होता है. तो इट फॉर्म्स का फॉर्म, तो इट फॉर्म्स, जस्ट अंडरस्टैंड दिस इशू कि जो आपका एटमॉस्फियर से वाटर जमीन पर गिरा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, होप आई एम नॉट फास्ट, और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, हाउ इट इज बीइंग फॉर्म. यह फॉर्म होता है जब मॉइस्ट एयर कूल्ड होती है, और उससे क्या होता है, इट कॉजेस वाटर वेपर टू फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट्स और सॉलिड आइस पार्टिकल्स. तो हमने क्या, स्टेप वन हमने समझा, अब वी आर ऑन द स्टेप टू. व्हाट इज द स्टेप टू? स्टेप टू क्या है, जब मॉइस्ट एयर कूल्ड होती है और इट कॉजिंग, इससे क्या होता है कि वाटर वेपर होते हैं जो फॉर्म हो जाते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स में और सॉलिड आइस पार्टिकल्स में. अगर यह कूलिंग सफिशियंट है तो लिक्विड एंड सॉल्ट, अगर यह कूलिंग सफिशियंट है, अगर यह कूलिंग अच्छी खासी है, तो जो लिक्विड एंड सॉलिड, जो लिक्विड एंड सॉलिड वाटर पार्टिकल्स हैं, यह साइज में बड़े होते हैं, और यह इतने बड़े और साइज बड़े हो जाते हैं, और यह मोशन के साथ चलते हुए एटमॉस्फियर से फॉल करते हैं अर्थ की ओर. तो दूसरी बहुत आसान सी चीज़ क्या है कि यह जो लिक्विड है, जो है यह लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, जब सफिशेंटली कूल हो जाती हैं, तो जैसे ही ज़्यादा कूल होती हैं, इनकी साइज़ बढ़ने लगती है. जब इनकी साइज़ बढ़ने लगती है तो यह क्या करते हैं, यह ऊपर से नीचे तक गिरने लगते हैं, और यह ज़मीन पर वर्षा के रूप में आगे गिर जाते हैं. होप इट इज़ क्लियर. Or it is not clear? Tell me fast. Tell me fast. अब हम, यह जो पानी है एटमॉस्फेयर का ही है क्या? जरा हम पानी के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, हल्का सा केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं ज्योग्राफी में. We apply a bit chemistry in the geography to understand. यह पानी है क्या? हम दो मिनट केमिस्ट्री समझ लेते हैं, आपको समझना और आसान हो जाएगा. इट इज़ अ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, H2O. तो क्या है, टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम. टू हाइड्रोजन एटम और वन ऑक्सीजन एटम जब यह मॉलिक्यूल शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन व्हाट केमिस्ट रिफर टू द कोवलेंट बॉन्ड. केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. तो जब टू पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, द टू पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट लोकेटेड एट अपोजिट साइड ऑफ नेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स बट आर इंस्टेड लोकेटेड ऑन द सेम साइड, दिस गिव्स द मॉलिक्यूल अ वीक इलेक्ट्रिक पॉइंट विथ ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन साइड. अब देखिए, आप इतनी केमिस्ट्री मत समझिए, आप सिंपल से बात समझिए कि जब पॉजिटिव चार्ज के दो हाइड्रोजन, बस इतना आप समझिए, डोंट गो द डीप केमिस्ट्री. जब दो पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन, दो पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन एक नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो
तो पानी का निर्माण करता है, इसको H2O बोलते हैं। समझ आ गया? अब क्या है कि जो एक केमिस्ट्री का सिद्धांत है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। केमिस्ट्री सिद्धांत क्या है? सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर दो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे या दो पॉजिटिव हो जाएंगे तो रिपेल करेंगे, अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। इट इज़ ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर चूंकि सिंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल इसलिए एक साथ स्टिक करते हैं टुगेदर, और एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला प्री का सवाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये केमिस्ट्री में आएगा, ज्योग्राफी में आएगा, कहना मुश्किल है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यू गॉट इट? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यह कई, अब इसको मैंने, आपको लग रहा होगा इतनी केमिस्ट्री समझाई क्यों गई, अभी तक की समझाई गई केमिस्ट्री का कोई बड़ा रिलेशन तो दिख नहीं रहा है। रिलेशन अब दिखेगा। अभी तक आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, और विपरीत चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये सब मिल, ये दोनों मिल जाते हैं, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और H2O बनाते हैं, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आदिति आई एम राइट? यू आर एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, टेल मी। आदिति आई एम राइट? टेल मी, यू आर एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर में कई तरह की प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाती हैं। अब हर प्रॉपर्टी आपके प्रिलिम्स का सवाल है, आप ये समझ लीजिए। जो अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो होता है, जो अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स है, दैट प्रोड्यूसेस सरफेस टेंशन। अब आप अगला लाइन सुनिए, फॉर्मिंग ए थिन स्किन ऑफ सरफेस वाटर मॉलिक्यूल दैट मेक्स ए वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम ए बेड। व्हेन सरफेस टेंशन इज कपल्ड विथ एडहेरेंस ऑफ टू ए सॉलिड सरफेस थिन लेयर, द थिन फिल्म ऑफ वाटर कैन बी ड्रॉन इन टू द फाइन क्रैक्स एंड ओपनिंग, फॉर एग्जाम्पल इन टू रॉक्स एंड सॉइल ओपनिंग। अब रॉक्स और सॉइल ओपनिंग में पानी कैसे आता है? इस पूरे व्याख्यान को समझाने की कोशिश क्यों की गई कि जो रॉक्स में और सॉइल ओपनिंग में पानी कैसे आता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। गॉट इट? थोड़ा टेक्निकल है, हल्का सा सोचिए, समझ आ जाएगा। हम इसको समझाने की कोशिश सिर्फ कर रहे हैं ओनली फॉर कैपिलरी एक्शन, जो केमिस्ट्री का पार्ट है। कैपिलरी एक्शन फिजिक्स का भी पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। अब उसका इस्तेमाल ज्योग्राफी में हो रहा है। किस तरह से हो रहा है कि जो ये अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपिलरी एक्शन के लिए जिम्मेदार है। पहली बात क्या समझाई मैंने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपिलरी एक्शन के लिए जिम्मेदार। अगर सबसे आसान से समझना है, शायद आपका काम प्रीलिम्स में इसी से हो जाएगा कि कैपिलरी एक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सबसे आसान से क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपिलरी एक्शन के लिए जिम्मेदार है। अब इसको थोड़ा से और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वह सरफेस टेंशन को प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है, एक थिन स्किन ऑफ सरफेस वाटर मॉलिक्यूल आता है दैट मेक्स ए वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम ए बेड। व्हेन सरफेस टेंशन इज कपल्ड विद द
एडहेरेंस ऑफ ए सॉलिड सरफेस, जब पानी का यह सरफेस टेंशन, जब पानी का यह सरफेस टेंशन एडहेरेंस टू ए सॉलिड सरफेस, तो देन द थिन फिल्म ऑफ वाटर कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन क्रैक, जो फाइन क्रैक से थिन लेयर ऑफ वाटर आने लगती बाहर, इसी को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया आदिति? इट्स क्लियर? कीर्ति, प्रशांत, हो गया क्लियर? तो फर्स्ट इशू दैट द कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू वाटर, मेरे ख्याल से फिल्म्स का काम इसी से आपको हो जाएगा। आप दो तीन अगर लाइन याद रखेंगे कि कैपिलरी एक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होता है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सरफेस टेंशन प्रोड्यूस करते हैं, यही दो टाइप का चीज लिख देंगे आप काम हो जाएगा। होप इट्स क्लियर। इट्स नॉट क्लियर, वेरी गुड। दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल है, यूज है, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो वाटर को गर्म करता है और कूल करता है, विच मेक्स वाटर हीट एंड कूल मोर स्लोली देन अदर सब्सटेंस। अब देखिए, और चीजों की तुलना में पानी धीरे धीरे गर्म भी होता है, धीरे धीरे ठंडा भी होता है। अगर आप पानी गर्म करके बाल्टी में छोड़िए और कोई एक लोहा गर्म करके छोड़िए, आप ये देखेंगे कि पानी ठंडा धीरे धीरे हो रहा है, लोहा ठंडा जल्दी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पानी धीरे धीरे गर्म होता है या धीरे धीरे ठंडा होता है, फॉर दीज टू रीजन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यू गॉट इट? इसी तीसरा एक एग्जाम्पल, तीसरा एक क्या है कि जो वाटर के नियर, जो वाटर के नियर जगहें हैं, जैसे समुद्र का किनारा है, वहाँ पर यूनिफॉर्म क्लाइमेट होता है। इसको हम डिटेल समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर में। तो जो एक और ये यही एक रीज़न, हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट लेट मी फिनिश फर्स्ट दिस। अब जो वाटर के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्स ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ए प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द हीट फ्लो। जो काइनेटिक एनर्जी पानी के अंदर लिक्विड वाटर में होती है, वह हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने से होती है और उसके लिए ज़्यादा हीट फ्लो की आवश्यकता होती है। दीज आर द थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट्स क्लियर? आई कैन मूव? अब हम स्टेट ऑफ वाटर को समझते हैं कि वॉट इज द स्टेट ऑफ वाटर, कि वाटर का स्टेट क्या क्या है, वाटर का स्टेट क्या क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अब वाटर का स्टेट क्या क्या है, देखिए वाटर का तीन का तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फॉर्म में क्या है? आइस। लिक्विड फॉर्म में क्या है? वाटर इट्सेल्फ। और गैस फॉर्म क्या है? वाटर वेपर। तो अगला सवाल आपके प्री का बन गया कि वाटर वेपर किस फॉर्म का वाटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। दूसरा, यह विजिबल है या इनविजिबल है? यह इनविजिबल है। तो जो इनविजिबल गैस है वह वाटर वेपर से बनता है। अगर आप देखने की कोशिश करें
तो जो आइस है और वाटर है, वाटर वेपर है, तीनों में एक रिलेशन भी है। अभी रिलेशन किस तरह से है, जो थ्री स्टेट ऑफ वाटर है और ये आपस में रिलेटेड है। जो जो कहते हैं अगर हम वाटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलना चाहें, चेंज करना चाहें, तो उसके लिए एक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे मान लो आइस फॉर्म है, तो आइस फॉर्म को जो हम गर्म करते हैं तो वह दोनों फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब वह मेल्ट होता है तो वाटर बनता है, और जब वाटर फ्रीज होता है तो आइस बनता है। और जब आइस जो है, जब आइस जो है लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके सब्लिमेशन करता है तो वह वाटर वेपर बनता है। और जब वाटर वेपर डिपोजिशन होता है तो वह जब वाटर जब लेटेंट हीट, इसको भी आप समझ करिए, आइस जब लेटेंट हीट को, जिसको शायद गुप्त ऊष्मा बोलते हैं हिंदी में, शायद ही बोलते हैं, आइस जब लेटेंट हीट को एब्सॉर्ब करता है तो वह गैसियस स्टेट में आके वाटर वेपर बनाता है। और जब आई जब वाटर वेपर लेटेंट हीट को रिलीज करता है तो वह डिपोजिशन करके सॉलिड स्टेट में आके आइस बनाता है। और जो एक लिक्विड वाटर है, जब वह लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, तो वह इवेपोरेट होके गैसेस स्टेट में जाके बनाता है वेपर। और जब वो गैसियस स्टेट का वेपर लेटेंट हीट को रिलीज करता है तो कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत वह पानी बनाता है। और जब वह पानी लेटेंट हीट को रिलीज करता है तो वह आइस बनाता है, और जब वह लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है तो मेल्टिंग होती है और वेदर बनाता है। यह आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप लोग लिख लीजिए, जस्ट राइट डाउन। आप एक चार्ट बनाइए, ऊपर बनाइए, ऊपर बनाइए वाटर, फिर एक आप बनाइए ट्रायंगल, यू मेक ए ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल के टॉप पे बनाइए, मेक ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के टॉप पे आप बनाइए वेपर, गैसियस स्टेट वेपर, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के टॉप पे आप लिखिए, आप बनाइए सर्किल, उस पे लिखिए गैसियस स्टेट वेपर। ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में यहां बनाइए आइस, ट्रायंगल के राइट साइड में यहां बनाइए वाटर। बन गया, मेक दिस वे, ट्रायंगल के ऊपर यहां पे दिस पार्ट, यहां पे ये, दिस इज द गैस, गैस और वेपर, दिस इज आइस और सॉलिड, दिस इज आइस, मान गया। अब जहां पे आपने आइस लिखा है वहां से एक एरो बनाइए टुवर्ड्स गैस, बन गया रिचा आपका। अब जहां से आइस आपने बनाया है उसको एक एरो मारिए टुवर्ड्स गैस, उसमें लिखिए सब्लिमेशन, उसमें लिखिए सब्लिमेशन लेटेंट हीट एब्जॉर्ब। जहां पे आपने गैस लिखा है वहां से एक एरो मारिए टुवर्ड्स आइस, उस पर लिखिए डिपोजिशन लेटेंट हीट रिलीज्ड।
लिख लिया? जहां से आइस लिखा है वहां से एक सीधा एरो मारिए टुवर्ड्स वाटर लिक्विड स्टेट, लिखिए मेल्टिंग, लिखिए मेल्टिंग लेटेंट हीट एब्जॉर्ब। जहां वाटर लिखा है वहां सीधा एक एरो मारिए टुवर्ड्स आइस, लिखिए फ्रीजिंग लेटेंट हीट रिलीज्ड। जहां पे वाटर लिखा है वहां से सीधा एक एरो मारिए टुवर्ड्स वाटर वेपर या गैस स्टेट, लिखिए लेटेंट हीट एब्जॉर्ब इवेपोरेशन। और वाटर वेपर या गैस से एक एरो मारिए टुवर्ड्स वाटर, लिखिए कंडेंसेशन और लेटेंट हीट रिलीज्ड। 10 से 12 सवाल प्रीलिम्स के हैं इसमें और सब गलत हो जाएंगे। यार देखिए मैं एक एक सवाल लिख चलता हूं, एक एक सवाल लिख चलता हूं। बन गया सबका? किसका नहीं बना? इससे सवाल आने के बहुत फेयर चांस है, ये सवाल पक्का गलत होगा अगर आप लोग उन्हें ध्यान नहीं दोगे तो। किसका नहीं बना? प्रशांत आपको बन गया? रिचा आपको बना? आदित्य आपको बन गया? अगर बन गया देन आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। अविनाश आपको बना? साकेत बन गया? चलो अब देखिए एक एक क्वेश्चन। आदित्य आपका बना नहीं बना? कीर्ति आपका बना? बन गया? चलो वेरी गुड। देखो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। निकिता बन गया? चलिए लिसन क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट इज, आप अपना चार्ट देखिएगा, क्वेश्चन तुरंत मिल जाएगा आंसर। व्हाट इज द सब्लिमेशन, व्हाट इज द सब्लिमेशन, व्हाट इज द सब्लिमेशन, व्हाट इज द सब्लिमेशन इन द वॉटर व्हेन आइस एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट, व्हेन आइस एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट देन सब्लिमेशन हैपन्स एंड आइस बिकम वेपर एंड आइस बिकम द वॉटर वेपर। दूसरा और आसान और इसी से जुड़ सकता है कि जब सब्लिमेशन होता है या लेटेंट हीट रिलीज होती है तो सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्जन होता है, और जब लेटेंट हीट रिलीज होती है तो डिपोजिशन होता है और गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में परिवर्तन होता है। जब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है तो आइस फॉर्म वाटर फॉर्म में परिवर्तित होता है, उसको मेल्टिंग कहते हैं। जब लेटेंट हीट रिलीज होती है तो वाटर फॉर्म आइस फॉर्म में बदलता है, उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। जब पानी में से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है तो इवेपोरेशन होता है और वाटर जो है वो गैस फॉर्म में, लिक्विड स्टेट जो है वह गैस फॉर्म में चेंज होती है। और जब लेटेंट हीट रिलीज होती है तो कंडेंसेशन होता है और वाटर वेपर मतलब गैस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। गॉट इट? समझ आ गया? कीर्ति आया समझ में आपको? प्रशांत हो गया क्लियर? तो क्या कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग? अब इसको कॉन्सेप्ट देखते हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन ऑल हैव द रिलेशन विद द लेटेंट हीट। हिंदी में शायद गुप्त ऊष्मा कहते हैं, देख रहा है मेरे पास गुप्त ऊष्मा ही है।
मेरे ख्याल से जो सबसे प्रॉबेबल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन कब होता है, तो मेरे ख्याल से उसमें लिखेंगे इट इज़ रिलेटेड विद द लेटेंट हीट। तो अगर लेटेंट हीट वाला इशू आप समझ गए, अब लेटेंट हीट होती क्या है इसमें आ जाते हैं हल्का सा। जो एनर्जी होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वह जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड आइदर इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एज ए सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो वाटर मॉलिक्यूल को क्लोज कॉन्टैक्ट में रखता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक लेटेंट जो लेटेंट एनर्जी है, दिस एनर्जी सर्व टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट कीप वाटर आइदर इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एज ए सॉलिड और लिक्विड स्टेट इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड्स कीप वाटर मॉलिक्यूल क्लोज कॉन्टैक्ट। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वॉट इज लेटेंट हीट? जो एनर्जी यह काम करती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को किसी भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में साथ रखने में मदद करती है, वह एनर्जी लेटेंट हीट है। आई डोंट थिंक दे विल आस्क द डिफिनीशन ऑफ द लेटेंट हीट टू यू इन द एग्जामिनेशन। आई कीप रिपीटिंग यू the main intention of the UPSC to know what are the use of science in the day-to-day life. That's why I explained you the latent heat in the narrow form. Then I explained you the detail ki how latent heat is important for sublimation, deposition, freezing, melting, evaporation, condensation. You should not do this question wrong on 31st May if it is coming. I devoted sufficient time on this. Got it? Water जो तीनों form में प्राप्त होता है, जरा इसको और आसान समझते हैं। Latent heat energy is released or absorbed as water changes from one state to another state. अब इस सारे व्याख्यान का जो सबसे आसान समझने का एक ढंग है कि latent heat is released or absorbed. अगर आप पूरा मेरा वह चार्ट पढ़ें जो मैंने आपके लिए बनाया है, तो वह चार्ट क्या बोलता है? Latent heat is released or absorbed as water changes from one state to another state. इसको और अच्छे से क्या कह सकते हैं आसान से? Latent heat release होगी या absorb होगी? तो water एक state से दूसरे state में परिवर्तित होगा। मजा आ रहा है? ठीक लग रहा है? ठीक नहीं लग रहा है? अब एक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोस्फीयर, कभी नाम सुना आपने उसका? जो वाटर है, वाटर इन ऑल इट फॉर्म्स, द फ्लोज ऑफ वाटर इन ओशियन, लैंड एंड एटमॉस्फियर आर कलेक्टिवली नोन एज हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? The water in all form collectively. Water in all form collectively. In atmosphere, in solid state, and in liquid state. They collectively called the hydrosphere. Jo फ्रेश लिक्विड वाटर है वह सरफेस के ऊपर भी है, सरफेस के नीचे भी है। जो प्लांट के रूट्स हैं वो वाटर को एसेस कर सकते हैं फ्रॉम द इनसाइड ऑल्सो।
सरफेस वाटर जो है वह बेसिकली मिलता है स्ट्रीम में, लेक्स में, मार्शेस में, स्वैम्प में। और एक अगर हम देखें तो वाटर का, पूरे हाइड्रोस्फीयर का ओनली ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज हेल्ड एज वेटर एंड क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फियर। वह पूरे हाइड्रोस्फीयर का 0.001% है। तो जो एटमॉस्फेरिक वाटर है, अगला सवाल प्रिलिम्स का क्या हो गया कि वाटर के जितने फॉर्म हैं उसमें सबसे कम वाटर किस फॉर्म में है। तो जितना वाटर है हाइड्रोस्फीयर का उसका जो वेपर क्लाउड वाटर है, जो गैसियस फॉर्म का वाटर है, दैट इज ओनली 0.001% ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। दैट इज ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द टोटल वाटर। जो कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन एटमॉस्फेयर है इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वेदर इवेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो जो वाटर का कन्वर्जन है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यह ग्लोब के वेदर सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो जीवन चक्र को चलाने में बहुत सहायक होता है। जो दूसरा एक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल, वाटर साइकिल, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं जो बोलते हैं कि वाटर जो है मूव करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द मेजर फॉर्म इज द फ्रॉम ओशियन टू द एटमॉस्फेयर। अगर वाटर का यह मूवमेंट न हो, अगर यह हाइड्रोजन साइकिल न हो, अगर वाटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मूवमेंट न हो तो जीवन चक्र का चलना असंभव हो जाएगा। आप मेरे इस लेक्चर को क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल से जोड़ के देखिए। आप दिमाग में क्लाइमेट चेंज आप रखे रहिए, आपको क्लाइमेट चेंज के लिए लिखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब जो टोटल इवेपोरेशन है, जो हाइड्रोजन साइकिल है डिस्क्राइब करता है, What hydrogen cycle is describing? It is describing the global flow of water to and from ocean, land and atmosphere. Water moves by evaporation, precipitation and runoff. Water का movement तीन तरह से है। मुझे लगता नहीं है ये ज्योग्राफी वालों ने भी इतना डीपली पढ़ा होगा, क्योंकि माजिद हुसैन, सविंदर सिंह दोनों किताब मैंने पढ़ी। माजिद हुसैन और सविंदर सिंह ने इतनी बेहतरीन ढंग से नहीं लिखा था जितना लिखा है इन्होंने, कहते हैं स्टीलर ने। माजिद हुसैन की किताब और सविंदर सिंह की किताब को मैं बहुत कमज़ोर मानता हूँ इन फ्रंट ऑफ द स्टीलर। उसका एक रीज़न क्या है, वह दोनों किताबें एक दूसरे पर्पज़ से लिखी गई हैं और उन किताबों में इतना ज़्यादा उसका रीज़न क्या है, उन किताबों के साथ एक समस्या क्या थी, वो लोग एक ऐसे रीडर को टारगेट कर रहे थे कि जो किताबों को परचेज करे। तो उन लोगों ने क्या किया कि सिविल सर्विसेज के पूरे सिलेबस को एक साथ लिखने के चक्कर में सब कुछ लिख डाला। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि चीज़ों को इतनी गंभीरता से लिखना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी स्टीलर ने क्या किया, उनका कोई ताल्लुकात नहीं था सिविल, जानते हुए सिविल सर्विस होता क्या है, वह एक क्लासिकल ज्योग्राफी लिख रहे थे। उस क्लासिकल ज्योग्राफी के लिखने के कारण उनकी किताब का जो सीन है, जो स्टाइल है, टोटली डिफरेंट है। इसलिए मुझे उम्मीद कम है कि जो ज्योग्राफी के लोग भी हैं इतनी गंभीरता को समझे होंगे। आई डोंट नो यू एबल टू आंसर बिकॉज यू हैव रीड द बुक ऑफ आइदर निरुला माजिद हुसैन और सविंदर सिंह। उन लोगों ने इतना गंभीरता से इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की है। अब ये हाइड्रोजन साइकिल को हम थोड़ा और गंभीरता से देखते हैं, अपने को और समझ आएगा। जो टोटल इवेपोरेशन है इट इज अबाउट 6 times ग्रेटर ओवर ओशियन देन लैंड। दूसरा सवाल आ गया आपके प्रिलिम्स का,
कि ज़्यादा इवोपोरेशन वाटर का कहाँ से होता है, लैंड से या ओशियन से? तो आंसर क्या हो गया, ओशियन का जो इवोपोरेशन है वह लैंड के कंपेरिजन में 6 times ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द ओशियन। जो वाटर वेपर है एटमॉस्फियर में कैन कंडेंस और डिपॉजिट इट टू फॉर्म क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन विच फॉल्स टू द अर्थ, रेन, स्नो और हेल। जो वाटर वेपर एटमॉस्फियर में है वह कंडेंस करेगा या डिपॉजिट करेगा, उससे क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा, और जो जमीन पर गिरेगा या तो रेन में या स्नो में या हेल में, देयर इज नियरली 4 times मोर प्रेसिपिटेशन ओवर ओशियन देन प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड। द दूसरा इशू कि जो ओशियन के ऊपर प्रेसिपिटेशन है, देखिए पहला आपने क्या समझा था, इवेपोरेशन, दूसरा क्या समझ रहे हैं, प्रेसिपिटेशन। तो 6 times लैंड की तुलना में ओशियन से ज़्यादा इवेपोरेशन होता है और 4 times ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है। जो जब ये प्रेसिपिटेशन लैंड को हिट करता है, आसान से शब्दों में जब वर्षा होती है, जब प्रेसिपिटेशन लैंड को हिट करता है तो उसका परिणाम क्या क्या होता है, पहला यह इवेपोरेट होके वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, दूसरा यह सिंक होकर सॉयल के अंदर जाता है, और तीसरा यह रन ऑफ हो जाता है। तो या तो वह पानी जब जमीन पर गिरेगा या तो यह वेपर के रूप में ऊपर चला जाएगा या सॉयल के अंदर चला जाएगा या चट्टानों या दरारों के अंदर चला जाएगा या वो पानी बहकर निकल जाएगा। तो जो पानी बहकर निकलता है, रन ऑफ होता है, वह सबसे ज़्यादा होता है। जो थर्ड प्रेसिपिटेशन है, कैन रन ऑफ द लैंड कंसंट्रेटिंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड इवेंचुअली कैरी टू द ओशियन और टू द लेक्स, दिस फ्लो इज नोन एज रन ऑफ। अगला सवाल, वॉट इज रन ऑफ। गॉट इट? तो पानी जो गिरता है, चलिए हम इसको नॉन ज्योग्राफी भाषा बात करते हैं और अच्छा समझ जाएगा। जो पानी आसमान से गिरा उसका हश्र क्या हुआ, या तो वह फिर से वाष्प बन के ऊपर चला गया या पानी जमीन में जाके सॉयल में छिप गया, सॉयल में रह गया, या वह क्रैक्स में चट्टानों के बीच जाकर जमा हो गया, और या वह बहकर अंत में रिवर और लेक बनता हुआ अंतोगत्वा समुद्र में समा गया। तो जो तीसरा का प्रक्रिया है उसको हम रन ऑफ बोलते हैं। पानी सबसे ज़्यादा रन ऑफ होता है। समझ आ गया? या वांट समथिंग मोर? अब इसको थोड़ा से हम और यूज, अब इसको हम थोड़ा से मानव जीवन के बारे में बात करते हैं। अब जो 0.01% ऑफ टोटल वाटर है जो एटमॉस्फेरिक वाटर के रूप में है, यह बहुत वाइटल है वेदर, क्लाइमेट एंड सस्टेन लाइफ ऑफ अर्थ। जो सबसे कम पानी है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जो सबसे ज़्यादा पानी है वो सबसे कम उपयोगी हो जाता है। समुद्र का पानी खारा है, उसका उतना उपयोग नहीं होता है, लेकिन जो सबसे कम पानी है 0.01%, इसको याद रखिएगा, इस फिगर को कहीं आप घुसेड़ दीजिएगा,
खासकर जो ज्योग्राफी के एस्पायरेंट हैं, आप इस लाइन को कहीं आप डालिएगा, कहीं उत्तर लिखित का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, इतनी अच्छी फिगर इतने बेहतर ढंग से मिलती नहीं है कि जो 0.001 है, दो बार जीरो है एक नहीं है, दो एक बार लेकिन पूरा सवाल गलत कर देंगे आप, जो 0.001% ऑफ टोटल वाटर है, यह बहुत वाइटल है वेदर क्लाइमेट एंड द सस्टेन द लाइफ ऑफ अर्थ। क्यों? यही मानसून लाता है, यही खेती में मदद करता है, यही प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, यही गर्मी से निजात दिलाता है, यही नदियों को पानी देता है। तो सबसे ज़्यादा जीवनदायी जो पानी जो 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 वाटर है वह 0.01% है। और जो अगर हम पूरे वाटर का कम्बिनेशन देखें तो जो टोटल वर्ल्ड ओशियन है वह वाटर का 97.2% रखता अपने पास। फ्रेश वाटर का जो रेशियो है वह 2.8% है। और एटमॉस्फेयर का वाटर है 0.001%। और स्ट्रीम चैनल्स का जो वाटर है 0.0001%। अब इसको हम एक दूसरे फिगर में आपको देते हैं और आसान से फिगर में, जो ओशियन वाटर है 97.2% है, फ्रेश वाटर 2.8% है, सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक वाटर 0.02% है। अब इस फिगर को मैं क्यों बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो एक संरचना है हमारे पानी की, उस संरचना में जो पानी सबसे ज़्यादा कम है वह जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो जो यह जीवन चक्र चल रहा है, जो मानसून चल रहा है, मानसून में सबसे ज़्यादा योगदान उस पानी का है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा कम है। जो सरफेस वाटर है, वह जो सरफेस वाटर है इसमें लेक वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वह बहुत छोटा फ्रैक्शन है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में जो अर्थ जो एक समुद्र का पानी है, जो ओशियन वाटर है, जो मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर इज हेल्ड बाय द ओशियंस। और एक जो आइस है, जो आइस शीट्स एंड ग्लेशियर हैं, वह सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर ऑफ अर्थ हैं। वाटर के रिजर्वायर में एक तो ओशियन हो गया, नंबर टू पे क्या है, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द अर्थ। हालांकि जो ग्लेशियर हैं बहुत कोल्ड हैं और यह एनिमल की लाइफ के लिए, मोस्टली एनिमल लाइफ के लिए सुटेबल नहीं है। जो एंटार्कटिका की आइस शीट है, लेकिन यह प्रोवाइड करती है, जो एंटार्कटिका की आइस शीट है प्रोवाइड करती है हैबिटेट फॉर वेट डेल सील्स एंड द क्वेश्चन फॉर द प्लिम्स। वेट डेल सील्स को कौन से क्षेत्र में हैबिटेट रहने का मिलता है, तो अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वह प्रोवाइड करती है वेट डेल सील्स। क्या करें, बंद करें या आगे चलें? बिकॉज आई डोंट नो यू आर एबल टू हैंडल मोर देन दैट और नॉट, टेल मी, क्या करें, बंद करें या और चलें? फास्ट, चल भी फास्ट। आदिति, कीर्ति, आकांक्षा, मोहित, I ask from the youngest aspirants, बंद करें या और चलें? वर्षा, रिचा, जल्दी बोलो, प्रशांत। मैंने देख दो जो चैप्टर जो तैयार किए हैं वो मैं करने के बाद ज्योग्राफी बंद कर दूंगा, बिकॉज इट्स गुड आइडिया। आप लोग ज्योग्राफी खुद तैयार करने के लिए आप लोग कह रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी यू प्रिपेयर ज्योग्राफी योर ओन। एक दो चैप्टर जो मैंने पहले तैयार कर लिए हैं वो मैं आपका कर देता हूँ, देन आई विल स्टॉप ज्योग्राफी। यू वॉन्टेड समथिंग ऑन द पॉलिटी, दो तीन रिक्वेस्ट पॉलिटी मेरे पास आई है। एक आई है इमरजेंसी प्रोविजन फिर से करने की, दूसरी एक आई है मनी बिल अप्रोप्रिएशन बिल की। एक रजत ने आज लिखा है, ही वॉन्टेड टू नो द
रजत वांटेड टू नो क्या था, प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो आप लोगों की जो जो रिक्वेस्ट है रिचा, जो रिचा जो ये वेडेल है, यह नाम है WEDDELL, यह एक सील, एक प्रजाति है वेडेल सील्स। सील जानते हैं जो सील एक कहते हैं समुद्र की एक कहते हैं जो प्रजाति है उसी का नाम है वेडेल सील्स, WEDDELL वेडेल सील्स हैं, जो कि अंटार्कटिका आइस शीट्स में पाई जाती हैं, वहां उनको जिंदगी मिलती है। होप यू एंजॉयड द लेक्चर टुडे, विल सी यू टुमारो अगेन। टुमारो तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। आई वॉन्टेड टू गिव टू ऑफ टू यू फॉर सैटरडे, संडे, संडे आई विल सी यू ऑल एट द सेंटर फॉर फ्लैग होस्टिंग। यू रीच मैक्सिमम बाई 8:30, 8:15 विल बी मच बेटर। आई विल राइट यू एग्जैक्ट टाइम टुमारो एंड देन आई विल लिसन योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। जो जो आपको प्रॉब्लम है आप लोग लिखिए, किसी भी हालात में प्रिलिम्स पास करना ही करना है। आई डोंट वॉन्ट प्रिलिम्स टू फेल। अगर आप प्री फेल कर जाओगे तो मैं किसको मेंस पढ़ाऊंगा। आई हैव द मोर प्रॉब्लम टू टीच मेंस, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर टू प्रिलिम्स, पास द प्रिलिम्स। और हम 1st-2nd June से ही मेंस स्टार्ट करेंगे। होप एंजॉयड इट। आई विल सी यू इन द क्लास योर मंडे। आई विल ट्राई टू सी यू इन द क्लास। सैटरडे संडे आपको मैं पूरा ऑफ दे रहा हूँ, आप लोग तैयार करिए। आई नीड ए गुड मार्क्स ऑन मंडे। मंडे का जो आपका मॉक टेस्ट है इट इज़ ए ब्रॉड बेस्ड, हम यूपीएससी पैटर्न पे तैयार कर रहे हैं। इट विल बी टफ टेस्ट, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी चार ही है और कुछ है नहीं। वो चारों हम आपका शामिल करेंगे और आई होप कि जिन लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं वो लोग भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। टेक केयर, गुड नाइट, विल meet you all at the center on Sunday 26 Jan and we'll talk. Thank you, take care.